तो लर्निंग सीरीज का यहाँ पर दूसरा वीडियो है, तो यहाँ पर मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए आवाज़ थोड़ा बदल आ रहा है, तो ठीक है आप मैनेज कर लेना। तो यहाँ पर मैं मेरा 2024 का PNL लगा तो आज की तारीख तक का, तो देखेंगे यहाँ पर हमने क्या क्या किया। एक मिनट, थोड़ा गलती हो गई। तो यहाँ पर मुझे एक कमेंट भी आया था, उसका भी जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक तारीख से लेकर आज तक का मैं मेरा सारा PNL यहाँ पर लगा दिया हूँ। तो यहाँ पर एक कमेंट आया था कि भाई ये शनिवार के दिन तुमने कैसे ट्रेडिंग किया, तो वहाँ पर मार्केट क्लोज होता है और ये तुम्हारा PNL फेक है। तो ऐसा नहीं, इस साल में 2 बार शनिवार को मार्केट चालू था। अगर जो डेली ट्रेडिंग करते वही बता पाएंगे, कमेंट में आप बता सकते, तो यहाँ पर ठीक है। तो ये मैं मेरा यही सेटअप जहाँ पर मैं शॉर्ट सेल ज़्यादा करता हूँ और कभी कभी फ्लो में प्रॉफिट बड़ा मिलता है जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हो, तो यहाँ पर मैं मेरा वही सेटअप में शेयर करने वाला हूँ। तो वो सेटअप एक फेमस यूट्यूबर है घनश्याम टेक, तो उनसे लिया था मैंने, तो वही सेटअप मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने वाला हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर क्या किया था और वो सेटअप मुझे क्यों अच्छा लगा था। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लाइन को ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार इसने ब्रेक डाउन दिया, तो इसके बाद ये सपोर्ट था पहले, अब ये रेजिस्टेंस हो चुका है। तो यहाँ पर फिर एक बार मार्केट ने उस पर जाने की कोशिश की, 2 बार किया, और जैसे ये तीसरी बार इस लेवल को क्रॉस करता है तो हमारी यहाँ पर जो स्विंग होगा 15 मिनट में, तो उसका एक लो का स्टॉप लॉस लेकर हमें यहाँ पर बाइंग करनी है। लेकिन मैं इस सेटअप पे उल्टा करता था क्योंकि मैं पहले ऐसे बाइंग करता था ब्रेकआउट पे और मेरा स्टॉप लॉस ही हिट होता था, तो मैंने फिर उल्टा चालू कर दिया। मैं शॉर्ट सेलर क्यों बना, इसका यही रीज़न है क्योंकि जब भी ब्रेकआउट देखता था मैं पहले बार तो ब्रेकआउट ही फेल होता था, और 10 ट्रेड में लेता था तो 8 बार ब्रेकआउट फेल होता था और 2 बार ही सिर्फ मुझे टारगेट मिलता था। तो मैंने सेटअप ही चेंज किया, तो उसको शॉर्ट सेल ब्रेकआउट पर जो भी स्टॉक सुबह के 10 बजे से पहले किसी इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट देता है तो मैं उसको ये कर देता हूँ, अवॉइड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक PNB हाउसिंग का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, तो कई ऐसे चार्ट होंगे जो बार बार किसी लेवल पे जाके, तो देखिए यहाँ पर इस लेवल को देखिए 980 का ये लेवल है, यहाँ से एक बार मार्केट गिरा फिर एक बार ऊपर चढ़ा, राइट इसी प्राइस से फिर एक बार गिरा। तो मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि जब कोई स्ट्रेटजी अगर किसी को मालूम पड़ती है तो यहाँ वहाँ पर ये सेल हंटिंग होना चालू होता है। तो एक देखिए तीसरी बार भी ये 84 के ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर एक बार रिट्रेसमेंट हुआ। अब चौथी बार देखिए इस लेवल का इसने कैसे ब्रेकआउट किया, पांचवी बार यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर कितनी बार फेल हो चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगर हमें इतना भी मूव मिलता है तो ये 10 पॉइंट का मूव है 1 ही कैंडल का, क्योंकि यहाँ पर जिसने बाइंग की हुई होती है ना वो यहाँ पर इसका इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। देखिए इसके बाद 30 पॉइंट नीचे गिरा, 20 पॉइंट ऐसा होता है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग आजकल बहुत चल रही है, तो हमें इससे बच के रहने के लिए हमें फेक ब्रेकआउट पर कभी बाइंग नहीं करनी, फेक ब्रेकआउट पर हमें सेलिंग करनी है, तब टारगेट भी क्विक मूवमेंट कभी कभी मिलेगा। तो यहाँ पर ये 4 बार इसने टेस्ट किया इस लेवल को, तभी जाके 5वीं बार इसने टारगेट दिया, और कभी कभी बहुत ही शार्प बाइंग होती है, तो कंटिन्यूसली बाइंग होती है और टारगेट बड़ा मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये ब्रेकआउट होने के बाद टारगेट कितने का मिला, 20 पॉइंट का मिला, 30 पॉइंट का टारगेट मिला, लेकिन फिर भी ये फेल हो गया। लेकिन यहाँ पर अब जो लेवल पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट की तरह काम करने लगा, यहाँ से फिर एक बार ट्राई किया और एक बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, लेकिन चौथी बार ये फेल हो गया और ये फिर से उसी लेवल पर आ गए। तो मेरी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, मैं एक बार जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है और वॉल्यूम ज़्यादा नहीं एवरेज ठीक ठाक वॉल्यूम रहता है, तो ज़्यादा चांसेस तो यही होते हैं कि वो भाई
रिट्रेसी होगा और प्रॉफिट बुकिंग प्लस ये सेल हंटिंग दोनों चीज़ें जहाँ पर मैच करते हैं वहाँ पर मैं बड़ी क्वांटिटी लगा देता हूँ।